वीडियो में हम Adobe Premiere Pro में टाइम रीमैपिंग के बारे में जानेंगे। टाइम रीमैपिंग की सहायता से आप अपने वीडियो क्लिप के किसी फुटेज को स्लो डाउन कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं या रिवर्स कर सकते हैं। तो हम टाइमलाइन में ये क्लिप डालते हैं और क्लिप में ये जो ऑडियो ट्रैक है इसको रिमूव करते हैं। तो इसके लिए हम क्लिप को सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करके अनलिंक करते हैं और ये जो ऑडियो ट्रैक है इसको क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पे ये सिर्फ वीडियो फुटेज है। टाइम रीमैपिंग या स्पीड रीमैपिंग का सबसे आसान तरीका है, क्लिप को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे ये जो स्पीड ड्यूरेशन ऑप्शन है इस पर क्लिक करके स्पीड जो 100% है ये नॉर्मल है, अगर आप 50% करेंगे तो ये 50% स्लो डाउन हो जाएगा और अगर आप इसकी स्पीड को 100% की बजाय 200% पर सेट करेंगे तो इस क्लिप की स्पीड डबल अप हो जाएगी। हम इसको वापस नॉर्मल स्पीड पर सेट कर लेते हैं। टाइम रीमैपिंग आप इफेक्ट कंट्रोल में ये जो टाइम रीमैपिंग ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन हम टाइम रीमैपिंग टाइमलाइन में ही करेंगे क्योंकि टाइमलाइन में ऑप्शन भी ज़्यादा होते हैं और आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो सबसे पहले तो इस ट्रैक के लिए थोड़ी जगह बनाते हैं, इस ट्रैक को थोड़ा बिगर लुक देते हैं। इस ट्रैक को बड़ा करने के लिए आप यहाँ पे अगर माउस कर्सर को इन लाइनों के बीच में लेके जाएंगे तो इस प्रकार से ये डबल हेडेड एरो में बदल जाएगा और आप इस ट्रैक की साइज को अप या डाउन कर सकते हैं। या फिर आप अगर एल्ट बटन प्रेस करके माउस को स्क्रॉल करेंगे तो भी इस प्रकार से इसकी साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सेम अगर आप क्लिप पे माउस कर्सर को ले जाके एल्ट बटन के साथ माउस स्क्रॉल करेंगे तो इस प्रकार से आपकी क्लिप बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे जो ट्रैक के ऊपर आप एक लाइन देख पा रहे हैं, ये लाइन ओपेसिटी की है। अगर आप इसे क्लिक करके इस प्रकार से ड्रैग करते हैं डाउन साइड में तो इसकी ओपेसिटी कम हो जाती है और अगर आप अपर साइड में ड्रैग करते हैं तो इसकी ओपेसिटी ज़्यादा हो जाती है। इसी तरीके से हम टाइम रीमैपिंग करेंगे। तो टाइम रीमैपिंग के लिए इस क्लिप को हम सेलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक में जो नीचे ही नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा शो क्लिप की फ्रेम्स, इसमें आपको टाइम रीमैपिंग में स्पीड पे क्लिक करना है और इस प्रकार से स्पीड की ये जो लाइन है वो इस ट्रैक के बीच में दिखाई देने लग जाएगी। अगर आप इस लाइन को क्लिक करके अपर साइड में ड्रैग करेंगे तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और अगर डाउन साइड में ड्रैग करेंगे तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। हमें इस क्लिप में उस फुटेज के लिए वो पॉइंट सेलेक्ट करने हैं जहाँ से स्लो डाउन स्टार्ट होना है और जहाँ पे स्लो डाउन को एंड होना है। तो इसके लिए हमें की फ्रेम बनाने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम इस येलो कार को स्लो डाउन करेंगे तो यहाँ पे हम स्लो डाउन का स्टार्टिंग पॉइंट रख लेते हैं। तो की फ्रेम ऐड करने के लिए आप कंट्रोल बटन प्रेस करके यहाँ पे ये जो एडजस्टमेंट लाइन है इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से की फ्रेम बन जाएगा और जहाँ तक आपको स्लो डाउन रखना है वहाँ पे भी एक की फ्रेम ऐड कर दीजिए। अब हम इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं और ये जो स्लो डाउन वाला पार्ट है इस पार्ट को हम यहाँ पे ड्रैग करके इसकी स्पीड को डाउन ले जाते हैं और 25% पे सेट कर देते हैं और इसके जो दोनों तरफ का हिस्सा है इसकी स्पीड को हम इस प्रकार से 150 पर ले जाते हैं। सेम इस साइड में भी अब ये जो स्लो डाउन स्पीड है इसको स्मूथ ट्रांजिशन देने के लिए थोड़ा जूम करते हैं और ये जो की फ्रेम पॉइंट है इस पर अगर हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से यहाँ पे एक रैंप टाइप में बना देते हैं दोनों साइड से ताकि ये थोड़ा स्मूथ ट्रांजिशन हो। इस ट्रांजिशन को और भी स्मूथ करने के लिए ये जो की फ्रेम ऑप्शन है यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये ब्लू हैंडल्स दिखाई देते हैं और इन ब्लू हैंडल्स पे क्लिक करके हम इस प्रकार से और भी स्मूथ ट्रांजिशन बना सकते हैं।
दोनों साइड में अप्लाई कर देते हैं। और अब हम इस क्लिप को प्ले करके देखते हैं, इस प्रकार से ये हमारा स्लो डाउन इफेक्ट शो हो रहा है। ये जो स्लो डाउन पार्ट है ये थोड़ा चौपी लग रहा है, तो इसको करेक्ट करने के लिए ऑप्टिकल फ्लो ऑप्शन हमें चूज करना होगा। तो इसके लिए इस क्लिप को सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और टाइम इंटरपोलेशन में आपको ऑप्टिकल फ्लो चूज करना है। ऑप्टिकल फ्लो को चूज करते ही ये जो टाइम लाइन में ये जो ऊपर लाइन येलो दिखाई दे रही थी ये रेड कलर में चेंज हो जाती है, इसका मतलब इसको रेंडर की ज़रूरत है। अब हम रेंडर करने के लिए सिंपली एंटर प्रेस कर देते हैं और एंटर प्रेस करने के बाद में इस क्लिप का रेंडर शुरू हो जाएगा। अब आप प्ले करके देख सकते हैं कि किस प्रकार से स्लो डाउन इफेक्ट अप्लाई हुआ है। इस प्रकार से आप अपनी क्लिप के किसी फुटेज को स्लो डाउन इफेक्ट दे सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फ्रीज फ्रेम और रिवर्स स्पीड की। तो इसके लिए ये क्लिप हम टाइमलाइन में यहाँ पे डाल देते हैं और इस क्लिप को हम पहले देखते हैं। इसमें एक ग्लास बोतल इस प्रकार से टूट रही है। पहले तो हम इसकी स्पीड को स्लो डाउन करते हैं। अब हम इस पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद में सेम पिछले क्लिप की तरह ही शो क्लिप की फ्रेम्स क्लिक करेंगे और टाइम रिमैपिंग में स्पीड पे सेलेक्ट करेंगे। तो अब हम इस क्लिप में वो पॉइंट ढूंढते हैं जहाँ पे हमें इस क्लिप को फ्रीज करना है और वहाँ से रिवर्स करना है। तो ये पॉइंट परफेक्ट लग रहा है, तो यहाँ पे हम एक की फ्रेम ऐड कर देते हैं, कंट्रोल और क्लिक। और की फ्रेम ऐड करने के बाद में ये जो राइट साइड का पार्ट है इसकी स्पीड को हम बिल्कुल एक पे ले आते हैं। एक का मतलब है ये यहाँ पे बिल्कुल फ्रीज हो जाएगी। और यहाँ पे स्मूथ ट्रांजिशन के लिए हम फिर से वही रैम बना देते हैं और रैम बना के इसको और भी स्मूथ कर देते हैं। अब हम इस क्लिप को यहाँ से कट कर देते हैं और जो एक्स्ट्रा क्लिप है इसको डिलीट कर देते हैं और ये जो क्लिप है इसकी एक कॉपी बना लेते हैं। तो एल्ट बटन प्रेस करके अगर हम इसको सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे तो इसकी एक कॉपी बन जाएगी। और इस सेकंड कॉपी को हम सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके स्पीड ड्यूरेशन पे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे रिवर्स स्पीड पे क्लिक करते हैं और ओके प्रेस करना है। रिवर्स स्पीड पे क्लिक करने के बाद में ये जो इन दोनों क्लिप के बीच का गैप है इसको हम डिलीट कर देते हैं। और अब हम इस क्लिप को प्ले करके देखते हैं। अब हम इन दोनों क्लिप को यहाँ पे फुल प्रीव्यू में देखते हैं कि किस प्रकार से ये इफेक्ट अप्लाई हुए हैं। तो इस प्रकार से Adobe Premiere Pro में आप टाइम रिमैपिंग की सहायता से अपने वीडियो में कुछ स्पेशल इफेक्ट बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।